गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग वॉक होने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई हूँ टिफिन बनाने के लिए, क्योंकि दोनों का टिफिन बनाना है प्लस हमारा ये ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा नॉर्मल जितना हम ऑयल खाते हैं उतना ले लिया। वैसे भी टिफिन के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल कम ही डालती हूँ, क्योंकि कहीं वो टिफिन से बाहर ना आ जाए इसलिए। तो देखिए, ऑयल ले लिया, फिर थोड़ा सा प्याज डाला है, मतलब एक ही प्याज को कट करके मैंने इसमें डाल दिया, एक टमाटो डाला है, और तेल जब गर्म हुआ था थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। तो चलिए, यहाँ पे वो हो गया। लहसुन को दरदरा कूट के डाल दिया है मैंने इसमें, और लहसुन वगैरह तो सुबह के टाइम पे अपन छीलते बैठते तो है नहीं, पहले ही प्रिपेयर रहता है सब। तो इसमें अभी मैंने धना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली है, मतलब ये तीन सूखे मसाले डाले। गरम मसाला वगैरह मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले के साथ प्याज टमाटर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में ये जो मसूर की दाल है, अक्खा मसूर की दाल है ना, इसको मैं जब वॉक के लिए जा रही थी 5 बजे, तभी इसको भिगो के रख दिया था। और उसके बाद में देखिए, अभी टाइम हो रहा है 6:30, और उस टाइम पर मैं ये बना रही तो अच्छी भीग गई थी ये दाल। अब स्वाद अनुसार नमक डाला और थोड़ा सा पानी में इसको पका रही, क्योंकि करीबन 1 से 1.5 घंटा ये दाल पानी में भीग चुकी थी, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं और ना ही सीटी देने के लिए। तो ये ना बहुत अच्छे से लगती है ऐसी। तो ये यहाँ पे रेडी हो गई है सब्जी, मतलब करीबन 10 से 15 मिनट में ये जो सब्जी है रेडी हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जॉयसी का टिफिन रेडी है, फिर रेक्स को मैं उठा रही थी तो उसने बोला कि नहीं, आज वो नहीं जाएगा स्कूल, सिर्फ जॉयसी ही स्कूल जा रही, तो उसका यहाँ पे टिफिन रेडी है, और बाकी बची हुई सब्जी हम तीनों को ब्रेकफास्ट में अब हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे जॉयसी का टिफिन रेडी हो गया, उसके बाल बना देती हूँ और वो स्कूल जाएगी, तब मैं फ्री हो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। सुबह का टाइम है, थोड़ा सा जल्दी वाला काम है, मैं थोड़ी रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए, मतलब हॉस्पिटल जा रही हूँ। अभी बूस्टर वाला जो मेरा वैक्सीन है एक, वो बाकी था, पिछले महीने ही मुझे लेना था, लेकिन थोड़ा सा मेडिसिन ले रही थी, अब मेडिसिन को बंद कर दिया है ना, तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ लेने के लिए वैक्सीन बूस्टर वाला। और काम तो मेरे थोड़े बहुत हो गए हैं, लेकिन प्रमोद ने बीच में ही बोला कि नहीं चलो आज जाना है वैक्सीन लेने के लिए, तो कपड़े वगैरह मेरा सब हो गया, बस बाहर डालना बाकी है। और खाने का भी थोड़ा बहुत मैंने रेडी कर लिया है, तो अभी आने के बाद जो भी है वो करूंगी। यही थैली में आ जाएगा ना पूरा प्याज और आलू। चलो इसको ले लो, ये आधार कार्ड, हाँ मोबाइल भी रखा है, आधार कार्ड। तुम गाड़ी स्टार्ट कर दो, मैं आ रही हूँ। यहाँ पे आज अंडा करी बनने वाली है, तो मैंने ना अंडा बॉईल करके रखे है, दूध वगैरह मेरा यहाँ पे सब गर्म हो गया, बस इसको रखना था अच्छे से। मुझे पहले एक दिन पहले नहीं बताया था प्रमोद ने, अभी अचानक बोला कि जाना है वैक्सीन लेने, इसलिए मेरे कुछ काम जो है ना ऐसे छोड़ छाड़ के जा रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, मसाले का भी थोड़ा सा रेडी कर दिया है, बस आने के बाद में पीसना है। इस संडे ना बारिश बहुत थी, तो इसलिए हम लोग ना सब्जी नहीं लाए थे, तो प्रमोद मार्केट में नहीं गए थे क्योंकि बहुत ही बारिश थी, तो सब्जी शायद ही सब्जी वाले वहां बैठे होंगे, बहुत पसीना आ रहा है। तैयार होने के बाद में भी काम कर रहे हैं ना भाग भाग के, तो बहुत पसीना आ रहा है, फैन ए सी सब बंद है। और यहाँ पे कपड़े है, कपड़े भी मैंने अभी डाले नहीं है, अब आने के बाद में ये काम होगा। आधा काम मैंने कर लिया, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद में मुझे नहीं आइडिया किएगा या कुछ पेन होगा तो फिर काम फिर वैसे भी धीरे ही चलने वाले है, इसलिए मैंने सोचा जो भी काम है बनता है ना उतना कर लूं। 11 बज रहे, प्रमोद ने बोला था कि 10 बजे तक अपन जाएंगे, और 10 बजे से भी ज्यादा टाइम, मतलब 11 बज रहे, 1 घंटा हो गया वो गए बाहर गाड़ी के पास खड़े ना, तो समझ लेना मैंने यहाँ से फटाफट निकलना है। अगर वो यहाँ खड़े रहते तो उनको पता है कि मैं जल्दी नहीं निकलूंगी, मेरे काम ही चलते रहेंगे। तो चलिए, लॉक वगैरह ऐसे बंद किया है, लाइट ऑफ कर देती हूँ, यहाँ का भी लाइट ऑफ कर देते। चलो, चप्पल मेरा निकाल लेते, आधार कार्ड रख लेती हूँ। देखो गाड़ी चालू कर दी प्रमोद ने शायद, ताकि मैं लॉक लगा लूँ जल्दी से और निकलूँ। तो चलो अभी मैं लॉक लगाती हूँ, ये इंटरलॉक का चाबी। सेशन नहीं आई क्या सामने? इसमें आ रहे नहीं, सब सब अपने आते हैं।
आज हॉस्पिटल आने से हमारे तीन काम हो गए, मतलब मेरा कोविड का जो वैक्सीन बूस्टर था ना वो भी हो गया, उसके बाद में यहाँ पे मलेरिया टेस्ट भी हो रहा था वो भी कर लिया, और प्रमोद को है ना हेपेटाइटिस का वैक्सीन लेना था हॉस्पिटल की तरफ से, इनको ये जो वैक्सीन लगने वाला था हेपेटाइटिस वाला वो भी लग गया है। और चलिए ये होने के बाद में मैं आगे आपको ना प्रमोद का जो भी स्टाफ है उनसे मिलवाती हूँ, मतलब अभी आज ऑन ड्यूटी जो भी स्टाफ है उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ, अगर वो ठीक है कम्फर्ट है सामने आने के लिए तो ज़रूर। ये प्रमोद का साथ के स्टाफ है, ये है नीतू सिस्टर नीतू बद्रा, नमस्ते। और ये मतलब ये लोग काफी सालों से साथ में ही हैं, आज वैक्सीन लेना था ना मुझे तो फिर मैं आ गई थी तो इन्होंने मुझे वैक्सीन दे दिया बूस्टर वाला। तो बोलो कुछ बोलोगे? ठीक है, बढ़िया है। अर्चना बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, प्रमोद भी मेरे साथ में 18 साल से काम कर रहे हैं हम लोग दोनों, और सब बढ़िया है। अर्चना का बिहेवियर हमको बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंडली है बिल्कुल, कभी कभी मिलते हैं कभी कभी हम मिलते हैं लेकिन एकदम अच्छे से मिलते हैं। कभी एक दूसरे के घर भी नहीं जाते नहीं जाते अभी तक नहीं गए, सिर्फ मिलना है तो मिलना है, मिलना है बस और कुछ नहीं। ओके चलो, चलिए यहाँ पे मैटर्न मैडम भी है, मतलब ये हॉस्पिटल की मैटर्न मैडम है, इनसे भी मिलवाती हूँ, आज मॉर्निंग का टाइम है तो ये ड्यूटी पे है। और अभी मिठाई भी आ गई, चलो किस बात पे मिठाई हो रही है? साजिद के बेटा हुआ। लो हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ चलो यहाँ आते से मुझे मिठाई भी मिल गई, और इनको तो जानते हो एक बार इनको तो देखा है सिस्टर राधिका, और फिर उधर भी है वो उनके स्टाफ है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ना वहाँ का ये हॉस्पिटल है, तो वहाँ की ये मैटरन है, मतलब प्रमोद के पूरा स्टाफ जो है वो ये सब हैंडल करते हैं, ड्यूटी वगैरह लगाना या छुट्टी देना ये सब ये काम ये सिस्टर करते हैं, काफी कॉपरेट है। अच्छा ये लोग प्यार से मम्मा बोलते हैं हमारी माँ। अच्छा तो इनको माँ बोलते हैं, सिस्टर बस नाम के लिए एक टैग है, प्रोफेशनली है बट हमारी मम्मी है। अच्छा। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है, और मॉर्निंग शिफ्ट में अभी ये जितना भी स्टाफ है, मतलब ये जो दो सिस्टर है मैं इनको काफी अच्छे से जानती हूँ, इनके टच में भी हूँ, बाकी मैटर्न मैडम और एक और स्टाफ है जिनसे मैं आपको मिलवाई अभी ना, तो इन लोगों को फर्स्ट टाइम मैं अपने ब्लॉग में मिलवा रही हूँ आपसे। बाकी ये जो समोसे का पैकेट खोल रही थी ना ये सिस्टर को आपने मेरे पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, जैसे कि भोपाल वाला जो मेरा ब्लॉग था जिसमें मैंने खाली घर का होम टूर करवाया था, ये वो सिस्टर है। और यहाँ पे प्रमोद को है ना वैक्सीन लग रहा है हेपेटाइटिस वाला, बाकी प्रमोद के कोविड वैक्सीन और बूस्टर वैक्सीन हो चुके, हेपेटाइटिस वाला बाकी था, और हॉस्पिटल की तरफ से ये स्टाफ को लग रहा है ये वही वैक्सीन है, प्रमोद को लग चुका है। और बाकी तो इन लोगों का हंसी मजाक चल रहा है, इन लोगों का ड्यूटी टाइम जो है ना वो ऐसे ही जाता है, काम के साथ साथ इन लोगों का हंसी मजाक चलता ही रहता है। ये पीछे जो है ना ये प्रमोद का हॉस्पिटल है, मतलब एक का सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ प्रमोद की जॉब है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, वैक्सीन तो ले लिया मैंने और अभी निकल रहे हैं हम लोग। मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ हॉस्पिटल का डिटेल व्यू।
यहाँ पे जो है ना पूरा हॉस्पिटल के एम्बुलेंस जितनी भी है, छोटी बड़ी एम्बुलेंस, वो सब रहती है। बाकी यहाँ वाला एरिया जो है शायद वो लैब वाला है, प्लस ऑफिस वगैरह है। और अंदर जो जाएंगे ना तो वहाँ पे वार्ड वगैरह है, स्टाफ रूम है। तो ओवरऑल इतना बड़ा है यहाँ का हॉस्पिटल। ये सेंटर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। ये पत्ता गोभी कर दो। गाजर उतना ही है क्या? कितना है, कितने का? उतना बताओ, दे दो। और टमाटो क्या किलो दिए? 30 का आधा है, ठीक है। 30 का आधा ये ले, इसमें डाल दो। तो आधा आधा ले ले, अभी आधा कर दे भैया, आधा कर। अभी केले लगाने को बोला ना, बैठा शाम को क्या बनाऊं मम्मा? यहाँ पे ना जो दोपहर में सब्जी लेके आई थी मैंने, वो तुरंत फ्रिज में भर के नहीं रखी थी, क्योंकि आने के बाद में आधा खाना बनाना मेरा जो बाकी था वो हम लोगों ने बनाया, खाना खाया, उसके बाद में मैं थोड़ा सा पार्लर के काम में लग गई थी। और फिर अब शाम को मैं ये सब्जी जो है साफ़ करके भर दे रही हूँ ताकि फ्रिज में चली जाए वो। तो यही काम मैं कर रही हूँ। सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो सुबह से आज तक का मतलब पूरे दिन का जितना भी शेयर कर पाई मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ये ब्लॉग में यही पेंट करती हूँ। अगर आज के ब्लॉग में आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे आप लोग नए होंगे ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का, नई वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगा। बाय बाय।